हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करते हैं दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि एयरपोर्ट पे हमारे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड को कितना सैलरी है, कैसे ज्वाइनिंग करता है, दो तीन क्वेश्चन ही है जो हम बहुत कमेंट आता है कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पे आ रखा हूँ अभी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो यहाँ पे किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, नॉर्मली जो हमारे भाई है एसएएस में इसे हम जानेंगे। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड। दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में हम पहले सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू लेने से पहले आके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखें प्लेन लगे हुए हैं इंडिगो से लेकर के स्पाइस जेट सब, टर्मिनल 3 पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरा जान पहचान का लड़के सब रहते हैं। फिर मैं साथ में वीडियो बनाने के लिए गया, यहाँ पे सीएसएफ का जवान मेरे को आगे में रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया। और बाकी मैं आगे, चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं स्पेस जेट से लेकर एयर इंडिया, एयर वो जितना भी है सब के सब डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है। आगे चलते हुए मैं आपको आगे दिखाता हूँ बोर्डिंग क्लास और ये नोटिफिकेशन जो आता रहता है जैसे रेलवे स्टेशन में दिया रहता है, कौन से प्लेन कब आएंगे, कब जाएंगे, कौन से मतलब ऑल इंडिया और वर्ल्ड के बात किया जाए। यहाँ से वर्ल्ड के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए जो है जाते हैं यहाँ से प्लेन। तो बाकी मैं ये सब आगे को इन्फॉर्मेशन देते हुए मैं जैसे आगे निकला, बाकी मेरे को गार्ड का इंटरव्यू भी लेना है इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी जाना है यहाँ से आगे। और मैं थर्ड फ्लोर पे आ चुका हूँ, टर्मिनल थर्ड फ्लोर। ये रहा पॉइंट प्रिंट होता है बोर्डिंग वाला, बोर्डिंग क्लास। और यहाँ से देख सकते हैं वेटिंग रूम सब बना हुआ है। वेटिंग रूम करने में भी वही जा सकता है जिसका टिकट हो, बाकी हम सब जाने का अलाउ नहीं है। चलिए आगे हम दिखाते हैं। जी सर, आपको स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? घनश्याम कुमार। राजौर से बोलिए सर। घनश्याम कुमार नाम हुआ। कहाँ से हैं सर? द्वारका ब्रांच से हूँ। अच्छा, द्वारका ब्रांच से है। हाँ। तो सर आप कितने साल से एसएएस में? 3 साल से। सर एक बहुत सारा कमेंट आता है वीडियो में जो सर कैसे एयरपोर्ट में ड्यूटी कर सकते हैं एसएएस सिक्योरिटी में, तो मेरे को जानकारी दीजिए तो कैसे ज्वाइनिंग कहाँ से ले सकता है? ये यहाँ रंगपुरी में ब्रांच है। ब्रांच से ले सकता है, ट्रेनिंग सेंटर से भी ले सकता है। ट्रेनिंग सेंटर से भी, वहाँ से मूवमेंट लेटर लेकर के द्वारका ब्रांच है, द्वारका ब्रांच में आकर के अपना फील्ड ऑफिसर से मिल करके वहाँ से ज्वाइनिंग। दोस्तों मैं बता दूँ आपको, ज्वाइनिंग प्रोसेस दो तरह के जैसे होता है। एक ब्रांच से जो 7,069 के समथिंग फीस ले लेगा ब्रांच से भर्ती करेगा, दूसरा ट्रेनिंग सेंटर से जो कि 13,000 से 14,000 लेता है ट्रेनिंग फीस। एक महीना ट्रेनिंग करेगा, रहने खाने के लिए व्यवस्था वो खुद ही करेगा ट्रेनिंग सेंटर वाले, और ट्रेनिंग करने के बाद आपको मूवमेंट लेटर देगा। तो आपको बोल देना मेरे को द्वारका जाना है, एयरपोर्ट में ड्यूटी करना है दिल्ली में। बताओगे? हाँ बताओगे तभी उन्हें होगा, नहीं बताओगे तो कैसे होगा? ऐसे सोचो रूम पे बैठे रहोगे, बोल देगा मैं एयरपोर्ट में ड्यूटी कर लूंगा, ऐसे नहीं होता है। एयरपोर्ट के लिए द्वारका ब्रांच से संपर्क करना, द्वारका ब्रांच से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैं गुड़गांव से दिल्ली आ रखा हूँ, बहुत मतलब कॉमेंट सर बहुत कॉमेंट आता था जैसे प्लीज वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए एयरपोर्ट का। तो मैं बोलता ठीक है वेट करो आज मैं फाइनली आ चुका हूँ। तो जैसे आप बताएं सर, जो ज्वाइनिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर या ब्रांच जाओ, क्या ट्रेनिंग सेंटर या ब्रांच डॉक्यूमेंट आपको पता है या बहुत सारा वीडियो में बता रखा हूँ। और उसके बाद सर ज्वाइनिंग के बाद जो लड़का बेंगलोर में करता है, गुड़गांव में, बिहार में, वो कैसे यहाँ आ सकता है? मूवमेंट लेटर लेना पड़ेगा। हाँ, वहाँ जहाँ जिस ब्रांच में कर रहे हैं वहाँ से मूवमेंट लेटर करवा करके, अच्छा जहाँ अपना जिस ब्रांच में करना चाहते हैं उस ब्रांच में उस मूवमेंट लेटर को दे करके फील्ड ऑफिसर से मिल करके बिना मूवमेंट लेटर करने हो, बिना मूवमेंट। कितने लड़के बोलते हैं सर मैं किसी तरह अगर ऐसा हो तो मूवमेंट लेटर का बिना हो जाए तो करवा दीजिए? न्यू ज्वाइनिंग करना पड़ेगा फिर दोबारा। अच्छा, न्यू ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। हाँ। तो भाई न्यू ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है इसलिए। और कुछ बता दे, ड्यूटी यहाँ पे कितने घंटे करते हैं? 8 घंटे भी चलती है, 12 घंटे भी चलती है। तो 8 घंटे का लगभग सैलरी कितना होगा और 12 घंटे का सैलरी लगभग कितना होगा? 12 घंटे का वही 22-23 हज़ार के लमसम है और 8 घंटे का 18 हज़ार। अच्छा, तो एसएएस में यहाँ पे लगभग एसएएस का हमारे जितने भी टीम है एसएएस का कितना मैन पावर होगा? 200-300 लगता है। एक शिफ्ट में 200? एक शिफ्ट में अलग अलग यूनिट है। अच्छा, यूनिट अलग अलग, 3-4 यूनिट एक ही ब्रांच का होगा? ब्रांच एक ही है। अच्छा अच्छा, फील्ड ऑफिसर भी एक ही है कि ज्यादा? अलग अलग फील्ड ऑफिसर। फील्ड ऑफिसर भी ज्यादा जो है। तो ओवर टाइम मिलता होगा? ओवर टाइम कम मिलता है, 8 घंटे में तो एक दो महीने में एक आध ओवर टाइम हो जाता है। अच्छा, तो सैलरी 12 घंटे में, सैलरी जितना मिलते हैं उसमें से कितना खर्चा होकर के सेविंग लगभग कितना करता होगा, बचा लेते होंगे लड़के? तो अपने अनुसार है,
अपने जिस अनुसार से खर्चा करेंगे। अच्छा, तो रूम रेंट और खाना पीना में लगभग कितना खर्चा हो जाता होगा? अगर पार्टनरशिप में रहें तो 5-6 हज़ार खर्चा हो जाता है। फिर भी 5-6 हज़ार गुड़गांव में 3 हज़ार में आप रह भी सकते हो, खा भी सकते हो। 1500 में रूम रेंट थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, गुड़गांव एरिया में 1500 में रूम मिलेगा, शेयरिंग में 3000 में देगा तो 1500 से लगेगा दो लड़का का, 1500-2000 तक में खाना हो जाएगा आपका, तो 3000-5000 तक में आपका कंप्लीट है, पॉकेट खर्चा आप जितना कर सकते। एयरपोर्ट पे उतना संभव नहीं है। एयरपोर्ट पे आप ड्यूटी करना चाहते हैं तो आपको ये थोड़ा मुश्किल है, 5-7 हज़ार रुपये खर्चा होगा। और बाकी आपको सैलरी भी बता दें, कितने बताए सर? 8 घंटे का 18 हज़ार, 18 हज़ार, 12 घंटे का 23 से 24 हज़ार। और PF भी अलग से मिलता होगा? PF अलग से। अच्छा अच्छा, तो आप सर ज्वाइनिंग किए थे जिस टाइम में, तो एयरपोर्ट पे भी फर्स्ट पोस्टिंग लिए थे? ट्रेनिंग सेंटर से आप किए थे या ब्रांच से? डायरेक्ट ब्रांच से। कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट क्या होगा आपका पहचान का? डायरेक्ट गया था, उसमें भर्ती चल रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी भर्ती चल रही है? गार्ड शॉर्ट है या फुल है? अभी तो फुल है। अच्छा भाई लोग अभी फुल है, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा जो नए लड़के हैं। और बाकी हम बता दें, ये देख सकते ये पार्किंग एरिया है एयरपोर्ट का, बाकी हमारे लालू भाई भी सामने में ही है देख सकते हैं, जिसका मैं बाकी वीडियो बनाए हैं। और आगे हम बता दे पार्किंग का, थोड़ा पार्किंग के बारे में बता दीजिए, क्या गाड़ी वाड़ी का क्या देखना होता है आपको? जैसे ओला उबर का है, उसमें डिवाइस देखना होता है गाड़ी में। हाँ, उसको देख कर डिवाइस लगा रहना चाहिए। हाँ, डिवाइस देख करके उसको इंस्टॉल करना और एक्टिव करना होता है। अच्छा अच्छा, तो अभी आप 8 घंटे में या 12 घंटे में? 8 घंटे। अच्छा, 8 घंटे में, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जैसे कि आपको ज्वाइन करना है तो आप ट्रेनिंग सेंटर जा सकते हैं, नहीं तो द्वारका ब्रांच में डायरेक्ट अगर वैकेंसी होगा तब लेगा क्या? हाँ। नहीं होगा तो नहीं लेगा। डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारा वीडियो बना दिया, लेकिन एक मिनट का है मैं बता देता हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट और पुलिस वेरिफिकेशन, वैक्सीनेशन का भी है कंपलसरी है? वैक्सीनेशन का भी नहीं भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, ये सब चाहिए। हाइट 168 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए। हाँ। ये सब चाहिए आपको। एज तो 21 से 38 है अभी, वही चल रहा है? हाँ, 21 से 38 ये होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप फीस वो ब्रांच से करोगे तो वही 7 हज़ार के समथिंग लेगा, 69 सौ। और 500 तो वैसे भी खर्चा हो जाता है, 7.5 रख ही लो कि जाने आने का खर्चा। अगर ट्रेनिंग सेंटर जाओगे तो 13 से 14 हज़ार लोग लेगा। तो ये से है दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया। बाकी आपको जो भी जानकारी चाहिए हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ कॉल कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब मेरा जैसे कि वीडियो कंप्लीट हो गया है, ग्राउंड स्टार का भी वीडियो बना लिया हूँ। अब मेरे को धीरे धीरे आगे से निकलते हुए मेरे को बाहर जाना है। अब फिर मैं ये सोचा चलो आगे जा, चलते चलते यहाँ पे भी एक गांधी जी का बहुत बड़ा चरखा लगा हुआ था ऑटोमेटिक चलने वाला, मेरे को बोला जो उसका वीडियो बना लो, वो बहुत बढ़िया है। तो मैं उसकी तरफ निकल पड़ा हूँ, अब उसका वीडियो बना करके फिर आगे हम निकल लेंगे। चलिए हम आपको उसका शेयर करते हैं। आपको सिक्योरिटी गार्ड में जॉब चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दिए गए कॉल नंबर पर कॉल करें, आपको ज़रूर जॉब मिलेगा, भले एयरपोर्ट हो कहीं भी हो। ये देख सकते हैं, ये रहा चरखा महात्मा गांधी का, जो ये हर एक घंटे दो घंटे पर चलता रहता है। यहाँ का तो मुझे रूटीन पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए दे रही हूँ। चरखा का यहाँ इतिहास लिखा हुआ है महात्मा गांधी के नाम करके, पूरा स्टोरी। अच्छा लगे अगर ये वीडियो आपको तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हम ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।